मोदी जी आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो ईद का जवाब पत्थर से दूंगा। हाँ, आप देखे नहीं है बजरंग बली का नाम पर निकालता है त्रिशूल और तलवार लेके रैली करता है, जय श्री राम। कभी श्री हनुमान जी तलवार लेके चलता है, बोला कि काला धन आएगा तो हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डाले। आया नहीं अभी तक, पता नहीं क्यों नहीं आया। नहीं आया, नरेंद्र मोदी तो वादा करता है, हर इलेक्शन में वादा करता है ना। 15 लाख रुपया मोदी जी कहे थे, मिला कि नहीं मिला? 15 लाख रुपया तो मिला, इतना मिला ना कि पेट से लेके एकदम पूरा शरीर तक दिख रहे हैं ना, पूरा खाना खा के एकदम इतना मोटा हो गया। 15 लाख, इतना 15 लाख से इतना चीज खा लिए एक बार में, खा लिए कि मोदी की सरकार है। ये सरकार बराबर बकवास करती है, झूठ मूठ के मजदूर के हक में बिल्कुल नहीं है। झूठ तो शुरू से हम लोग पकड़ रहे हैं, 2014 से 13-14 से अनाउंसमेंट कर रहा था 15 लाख अच्छे दिन। मजदूर के झोपड़िया मोदी जी के बिल्डिंग, मजदूर के पन्नी मोदी जी के बिल्डिंग, अरे मजदूर के झोपड़ी बिचौलिया के बिल्डिंग, मजदूर के झोपड़ी बिचौलिया के बिल्डिंग, अरे अपने वो मोदी पच महल बना बेबी। जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर। सरकार विकास की बात तो करती है, हर हाथ रोजगार देने की बात तो करती है, मगर सच में क्या रोजगार और विकास हो रहा है? आए दिन डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारा देश जा रहा है और उसी डिजिटलाइजेशन से अब कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान हो रहा है। मेरे साथ मनरेगा के मजदूर मौजूद हैं। ये लोग बिहार से चलकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं, हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों से आए हैं। आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि इनको यहाँ पे नरेगा संघर्ष मोर्चा करने की जरूरत पड़ गई? आपको बता दें कि 13 मार्च से ये जो तमाम साथी हैं यहाँ मोर्चे पर बैठे हुए हैं, महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं इस मोर्चे में हैं। नारी सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिला और आज तक, अब ये धरना तब तक चलेगा जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती। तो आइए इन साथियों से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र पासवान है। हाँ, कहाँ से आए? हम बिहार के कटिहार जिला से हैं, हमारे और साथी अररिया से हैं, सहरसा जिला से भी है, मनरेगा मजदूर ही है। हाँ, सारे मनरेगा मजदूर हैं। ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि आप लोगों को अपने घरों से इतना दूर आना पड़ा? ये दिक्कत है कि नरेगा चलता था अच्छा से, जो बजट पहले बनाया था, दिन पर दिन महंगाई बढ़ता जा रहा है और जो बजट पिछले साल था उससे भी हर साल ये कम करके बनाता है बजट, और उसमें भी कई तरह का बंधनों से मजदूरों को गुजरना पड़ता है। ये जैसे ऐप लाया गया है अभी, ये NMMS, ये जो ऐप लाया गया है, तो ऐप से लोग हाजिरी छूट जाता है लोगों का, नेट नहीं काम करने के कारण हाजिरी काम कर लिया पर उसका मजदूरी नहीं मिलता है, तो एक तरह का वो बेकार खटाता है, समझ लीजिए। मान लीजिए कि आज आप काम पे गए और आपने काम किया और ऐप की किसी भी कमी की वजह से हाजिरी नहीं लग पाई तो पैसा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं बनेगा वो हाजिरी, पैसा नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? इसे नेट के खिलाफ आवाज उठाए हमने, वहाँ ब्लॉक में, जिला में भी धरना किए हैं कि आप ये सब हटाइए, गरीब उसमें मारा जाएगा। एक तो 210 रुपया मजदूरी देते हैं, महंगाई के हिसाब से तो ये हमें बंधुआ मजदूर बना रहा है, मजदूरी बढ़नी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जितना मेहनत करता है, मिट्टी काट के कई तरह का रोड, पोखर, हरियाली, वातावरण को साफ करने का काम करता है जो मनरेगा मजदूर, गाछ पेड़ पौधा लगाता है, बगान लगाता है, रोड किनारे पौधा लगाता है, तो हम हवा प्रदूषण सभी चीज़ को बचाने का काम करते हैं, रोज पानी डालते हैं, उसको साफ करते हैं, पर इनको पता नहीं कि 210 में उसका घर चलेगा कि नहीं चलेगा। ये मजदूरी कैसे ये तय करता है मोदी जी का पता नहीं, और ये इसका मनरेगा का मंत्री गिरिराज सिंह जी, मोदी जी कह रहे हैं कि देश को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं इसलिए हर चीज जो है अब ऑनलाइन कर रहे हैं। नहीं तो ये सब बकवास है, ऑनलाइन कर रहा है पर ऑनलाइन का है। हम अभी कह रहे हैं कि दिल्ली में आप पता कर लीजिए, आप पत्रकारिता करते हैं, मीडिया हैं, आपका मोबाइल का नेटवर्क दिल्ली में भी फैल होता होगा, ये आप अनुभव कर सकते हैं अपने आप को, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और तब गांव में कैसे नेटवर्क काम करेगा? गांव में नेटवर्क जाता है चले जाता है, हो सकता है बिजली कट गया तो मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा, जानबूझ के किया जा रहा है। ये जानबूझ के मजदूरों को, एक नरेगा कानून में लिखा है
कि आप काम करोगे तो 15 दिन के अंदर में भुगतान होगा, 7 से 14 दिन के अंदर में भुगतान होगा बैंक खाते में पेमेंट होगा। और अगर 15 दिन में काम पेमेंट नहीं होता है तो मुआवजा के साथ भुगतान होगा। पर इन्होंने झूठ झूठ बना करके रखा है, ये पैसा मुआवजा भी नहीं देता। इन्होंने झूठ झूठ बना के रखा, मोदी जी ने ये इस कानून में फंसा के रखा है जो चला रहा है अभी इस कानून को चलाने वाला ही नहीं दिया रहा जा रहा है, चलाने वाला नहीं देता। जी तो कहते हैं कि सभी का साथ कर रहा हूँ, सभी का विकास कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, भाड़ करेगा। ये मोदी जी बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ तो शुरू से हम लोग पकड़ रहे हैं, 2014 से 13-14 से अनाउंसमेंट कर रहा था 15 लाख अच्छे दिन। क्या आप जाए गांव में कि गांव का कैसे भुखमरी है, कैसे लोग बीमार है, उसका सही से इलाज नहीं, सही से खाना नहीं, सही से कपड़ा नहीं, हर मौसम का हर कपड़ा जिस तरह से वो सूट पहनते हैं ना लाखों का, वो मजदूरों के पास दिखाए ना तभी ना कहेंगे अच्छे दिन आएगा। भैया वहाँ पे लिखे हैं आप त्रिशूल नहीं तलवार नहीं, हर हाथ को काम, दुकान नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तभी तो दिल्ली इतना रेल में धक्का धुक्की खाते हुए यहाँ चूड़ा मुड़ी भाग के भूखे भी लोग रह करके दिल्ली तक आया है अपना खाना। आपने ये भी लिखा है कि त्रिशूल नहीं तलवार नहीं, तो हाथ में त्रिशूल तलवार कौन देता है? त्रिशूल तलवार मोदी जी देता है, आप देखे नहीं है? और ये त्रिशूल तलवार वाला जो काम करता है ये उन्हीं का सांसद विधायक लोग, बजरंग बली का नाम पर निकालता है त्रिशूल और तलवार लेके रैली करता है जय श्री राम। कभी श्री हनुमान जी तरवाल लेके चलता है, जय श्री राम करता है, तरवाल निकालता है ये लोग, तो उसको बोलते हैं त्रिशूल तलवार बंद करो ये सब। और लोगों का वापस लो, हाँ एकदम वापस लो, ऐप वापस लो, इसका भी वही है, ये नाम को डाला है अपना, ऐप नहीं है, ये है नरेंद्र मोदी, एन से नरेंद्र, एम से मोदी, एम से मास्टर रोल, एस से सिस्टम, ये नरेंद्र मोदी मास्टर रोल सिस्टम है, ये बंद करो नरेंद्र मोदी मास्टर सिस्टम। नरेगा किसी का बाप का नहीं है, किसी का जागीर नहीं है, मजदूरों का लड़ाई से मनरेगा बना है, उन्होंने संघर्ष किया है तभी ये कानून लाया है। तब तक मांग नहीं मांगेंगे, तब तक नहीं जाएंगे, 100 दिन तो हमने तय किया है, पर इसको 200 दिन का सालों भर भी बैठना पड़ेगा तो वो भी तैयारी करेंगे। आपका चाचा से बात करेंगे, चाचा है मजदूर है, चाचा क्या उम्र होगी आपकी? हमारा उम्र अभी 68 चल रहा है। 68 चल रहा है जी। घर पे किस किस को छोड़ के आए हैं? घर पर लड़का को छोड़ के आए हैं, पत्नी को छोड़ के आए हैं, पोता पोती को छोड़ के आए हैं, संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए। चाचा सरकार तो हमेशा दावा करती रहती है कि गरीबों के साथ चल रहा हूँ मैं हमेशा। ये सरकार की, मोदी की सरकार है, ये सरकार बराबर बकवास करती है झूठ मूठ के, ये मजदूर के हक में बिल्कुल नहीं है, समझे ना। मजदूर को जो भी काम 100 दिन का लिखा हुआ है ना, लेकिन 100 दिन का काम नहीं दे पा रहे हैं। 100 साल में अगर किसी को 30 दिन 35 दिन हो गया, बहुत परेशानी करने पर हो गया, उसमें भी जो ऑनलाइन हाजिरी बनता है उसमें नेटवर्क के कारण हाजिरी नहीं बन पाया, उस दिन का हाजिरी गया। नाम नहीं बताया आप अपना? मैं अपना नाम बताया, शिवशंकर सहनी। शिवशंकर जी ये बताइए कि लगातार जो है ऐप से दिक्कत हो रही है, पैसा भी कम मिल रहा है, महंगाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, 210 रुपया मिल रहा है, 210 रुपया से हम लोग को गुजर चल जाएगा? नहीं चलेगा। वो भी तुरंत नहीं मिलता है? तुरंत नहीं मिलता है, रमजान में लिखा हुआ है 15 दिन के अंदर पैसा पेमेंट करेंगे, लेकिन इसमें महीनों 2 महीना 3 महीना 6-6 महीना लग जाता है। महंगाई डायन खात है कि ना खात है? तो हाँ जी, महंगाई से त्रस्त हुआ कि ना? महंगाई से त्रस्त क्या है, हम लोग तो क्या झेल रहे हैं इस महंगाई से, वो तो हम ही लोग जानते हैं। और काम नहीं करेंगे क्या, बाल बच्चा भूखा मर रहा है, कपड़ा बिना तरस रहा है। मोदी जी तो कहते हैं बढ़िया दिन, अच्छे दिन आ गए हैं। अरे तो हम कह रहे हैं जब मोदी जी का जो भी काम है बकवास है, झूठ बोलते हैं, ये अपने चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, चोरी दलाली करते हैं, हाँ तो क्या करते हैं? झूठ मूठ के जाकर के गांव में समय आ रहा है ना, वो जाएंगे गांव में कहेंगे हम यह करेंगे हम वह करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है, मजदूर को कुछ नहीं करते हैं, पूरी पगहा वाला को करते हैं, वादा करते हैं, खाली झूठ मूठ का वादा बकवास करते हैं। इसलिए
हम भी ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो ईद का जवाब पत्थर से दूंगा। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या भैया क्या कहना चाहोगे, तुम भी बिहार से आए हो? हाँ, हम भी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विवेक कुमार है। क्या बताना चाहोगे? क्या बताएंगे कि मोदी जी जो है ये सिस्टम लाया है NMMS, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है कि हमको लगता है इससे कि लूटने का काम है सीधा। हाँ। इसलिए कि जो आदमी तो कुछ जानता नहीं है, जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता है, वो NMS में हाजिरी बनाएगा कैसे? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विवेक कुमार है। स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो? कॉलेज में पढ़ते हैं। कौन से? इंद्रावती कॉलेज। नहीं नहीं, कौन से क्लास में, क्या कर रहे हैं? इंटर में पढ़ रहे हैं अभी। इंटर में पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि आपके जरिए दिक्कत हो रही है? हाँ। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं डिजिटल इंडिया बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया से क्या होगा? देखो सब कुछ फोन पे कर दिया उन्होंने। फोन पे करने से कुछ नहीं हो सकता है, पेट में खाने न है, फोन ढेरी जमा करके दे देंगे आपको, क्या कीजिएगा? पेट में आप खाइबे न कीजिएगा, फोन ढेरी दे देंगे, 10 लाख रुपया दे देंगे, खाना नहीं देंगे। अच्छा 15 लाख रुपया मोदी जी कहे थे, मिला कि नहीं मिला? 15 लाख रुपया तो मिला, इतना मिला ना कि पेट से लेके एकदम पूरा शरीर तक दिख रहे हैं। देख रहे हैं ना पूरा खाना खा के एकदम इतना मोटा हो गया। 15 लाख, इतना 15 लाख से इतना चीज खा लिए एक बार में? खा लिए एकदम, सही बता रहे, एक बार में खा लिए। रोजगार भी देने की बात कहे थे, रोजगार इतना रोजगार दिया कि सब वहाँ ग्रेजुएट पास कर करके वहाँ पे वहाँ बैठा है, ताश खेल रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, दुनिया को बिगाड़ रहा है। विश्व गुरु बना दिया ना मोदी जी ने, गुरु साहब को वो अथी बना दिया है, ये क्या बोलते हैं उसको, पंडा बना दिया। लास्ट में वो पकड़ के फिर जेल में डालेगा। अच्छा। फिर उसी से पैसा लेके उसको खटाएगा, एकदम मारेगा, बस वो मर जाएगा, फायदा क्या है इसमें? डिजिटल इंडिया से। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी बिहार से? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है और हम भी बिहार से हैं, अररिया जिला से। तो मेरा यही है कि जो नरेगा को लेके यहाँ पे धरना हो रहा है तो ये सही हो रहा है, क्योंकि देखिए जब बिहार में रोजगार, जैसे नरेगा से सबका घर चलता था, नरेगा से सबका घर चलता था, ये तो इससे किसी का घर भी नहीं चलता, क्यों नरेगा बंद हो जाएगा तो खाने पीने का उम्मीद भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जो उसका पति रहता है तो बाहर कमाने के लिए आती है, और जिसका जो महिला रहती है तो वो घर में जो नरेगा में काम करती है तो वो अपना बच्चे को पालती है और घर को चलाती है, तो नरेगा जो बंद हो जाएगा तो मतलब ये देखिए जैसे बिहार में रोजगार जो मिलता तो इतना आदमी बाहर खटने लिए थोड़ा आता, नहीं ना आता। इसीलिए नरेंद्र मोदी जो ये नरेगा को जो बंद करने का अथी किया है तो ये गलत है ना, क्योंकि देखिए ये भी नरेंद्र मोदी बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी को बचा रहे हैं कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही सही से नहीं मिल रहा। अभी बिहार में आप लोग जाइएगा तो बिहार में देखिएगा स्थिति कैसा है शिक्षा के बारे में, जो इंटर बीए कर ली है फिर भी अभी कुछ नहीं जानती है, जैसे कि सबसे पढ़ाई जब तक नहीं करेगी उसके पास नॉलेज कहाँ से होगा, क्योंकि बिहार में अनिल का देखिए, क्योंकि सर नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि देखिए बिहार में है ना शराब मुक्त बिहार है हो गया है, और वहाँ पे महिलाएं मतलब अपना घर खुद चला सकती है और सब कुछ कर सकती है, लेकिन देखिए अभी तक बिहार में शराब मुक्ति नहीं हुआ है और शराब वहाँ पर बनता है, क्योंकि जब दिल्ली में खुले आम चल रहा है शराब तो बिहार में क्या खाक बंद होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 साल से 5 साल से नरेंद्र मोदी यही कह रहा है ना कि बिहार शराब मुक्त बनाएंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दहेज का भी बारे में बोला था कि दहेज एक भी नहीं लेंगे, ये मतलब कहाँ कुछ बंद करवा रहे हैं। बात बताइए 210 रुपये आप लोग को मजदूरी मिलता है, घर चल जाता है? नहीं घर नहीं चलता है, 210 रुपया में क्या होता है, किसका पेट भरता है? हम अपना देखिए जैसे कि हो गया जब 15,000 रुपया महीना जब कमाते हैं ना, तो आप 8 फैमिली हैं तो आप 8 फैमिली का जोड़ लीजिए कितना रुपया हो गया, उसका तबीयत खराब होगा, उसका फिर खाने पीने का कहाँ से आएगा, और सिलेंडर में क्या है? सिलेंडर अभी 1250 रुपया महंगा है ना, भराने के लिए लेता है, अब बोला कि गैस फ्री, कहाँ फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है, और क्या बोला था प्रीपेड मीटर जो बिजली रिचार्ज करो, अभी वो हो गया कि रिचार्ज करो तब बिजली जलाओ फ्री, क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि 15 लाख जो रुपया बोला कि काला धन आएगा तो हम सबके खाते में 15 लाख रुपया डाले, आया नहीं अभी तक, पता नहीं क्यों नहीं आया। नरेंद्र मोदी तो वादा करता हर इलेक्शन में वादा करता है ना, क्योंकि देखो कि ये भी बात बोलते हैं कि बिहार में जितना भी लधी है जो
लड़का लड़की या कोई पढ़ा लिखा हो युवा सब सबको नौकरी देंगे, कहाँ दिया है? क्योंकि बीए करके तो अपना घर ही चला रहा, दुकान कर रहा, खेती और अथी बन गया, किसान बन गया, मजदूर के बेटा क्या करेगा, कब बनेगा? ये जो भाई साहब यहाँ मौजूद हैं, ये अभी एक कविता सुना रहे थे, एक गाना सुना रहे थे, जिसके जरिए ये हालात बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हालात चल रहे हैं। सर दो चार लाइनें सुना। अरे बिलार भेले मुखिया गिदर कर्मचारी, बिलार भेले मुखिया गिदर कर्मचारी, अरे भेले गिदर कर्मचारी, अरे मजदूर के झोपड़ी बिचौलिया के बिल्डिंग, मजदूर के झोपड़ी बिचौलिया के बिल्डिंग, अपने उ मुखियान बिल्डिंग बनाबे, बिलार भेले मुखिया गिदर कर्मचारी, बिलार भेले मुखिया गिदर कर्मचारी, भोरे उठिए मुखिया रुपया के गीत गाबे, भोरे उठिए मुखिया रुपया के गीत गाबे, मोबाइल बो पर अपना वार्ड सदस्य के धमकाबे, बिलार भेले मुखिया गिदर कर्मचारी। तो ये है हमारे देश का ये गिदर और बिलार का जोड़ी, दोनों नोचता है, इधर पे आते हैं तो बिलार, इधर जाते हैं तो गिदर, यही है गरीब मजदूर किसान को लूटता है दोनों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।